ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण मास महातम सातवां अध्याय आज के इस वीडियो में सुनेंगे। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं अत्युत्तम भौम व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधव्य नहीं होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की स्वर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों से मंगला गौरी की नाम देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्तिपूर्वक अर्पित करनी चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस व्रत से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। माता को वायन प्रदान करना चाहिए, जिसकी विधि आप सुनिए। अपने सामर्थ्य अनुसार एक पल प्रणाम सुवर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने तंडुल पूरित पात्र का पर वस्त्र तथा श्रमणी कंजू की ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सील तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद 16 सुवासिनियों को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत करने पर 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संपन्न विद्यमान रहती है। संत कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ? हे प्रभु, जिस तरह से मुझे इसकी प्रति निष्ठा हो जाए, कृपया करके वैसे ही बताएं। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में क्षत्रिकृति नामक एक विद्वान कृतिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनु विद्या से कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा, तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे वह वचन बोली, हे सुभद्र, आप जो चाहो वर मांग सकते हो। श्रुतकृति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपयावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहिए तो वह केवल 16 व्रत तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विभिन्न पुत्र चाहते हो तो दीर्घ जीवित होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति प्रसन्न राजा से कहा, हे विपेंद्र, मेरे मंदिर के द्वारा पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भ्रया को उसे भक्षण करके हेतु प्रदान करो, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी। इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी में गर्भ धारण कर लिया। 9वें महीने में उसने
देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब वर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जातकर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका कामना चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र ने 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुए हैं और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने से सामने नहीं देख सकूंगा। ऐसा विचार कर के राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटी का भेष धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय के पूर्व के पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा कि हे विदेश्वर, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार के समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूपवती मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृत को प्राप्त कर वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर में उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों ही वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा में वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोदपूर्वक क्रीड़ा कहती हुई उन कन्याओं से में किसी एक के कुपित होकर राजकुमारी को कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों कर रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद यह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। वाहिक देश के दृढ़धर्म नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने बिचारियों के नामामा के पास जाकर याचना की, आप इस बालक को हमें दे दीजिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य के सिद्धि हेतु वस्त्र अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो नहीं मांगे जाते हैं। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहाँ ले जाकर उस लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल स्वरूप में वहां आ गए। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धर्व धारण 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी से उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहें, वे जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे आप जैसा कीजिए।
इतने में सर्प वहाँ स्थित एक कमंडलू में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपने कंचुकू से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा दिए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोए समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबलू खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की वैसी गति है कि उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हारकांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट से स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गए। उसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां से ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे सुबह, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिजायक हो तो उसे हम लोग को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से वाली अंगूठी दी है, उसकी अंगूठी में इसे डालकर परियाचक निशानी देख ले। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताएं। यह तो कोई अन्य ही नहीं, इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। वह मेरी जांग पर अब भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख ले। साथ ही रात में परामर्श, भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया था, उसे भी यह बात दे, तब यह निश्चय ही नहीं मेरा पति है। इस प्रकार उनका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे। किंतु जब एक भी बात ना मिली, तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनवशी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदरपूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद एक वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वह क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने सज्जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिजनों को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने निस्जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र, आभूषण आदि, सेना, घोड़े, रथ और अन्य की बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा के साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया सुन उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रभाव अन्यथा कैसे हो सकता है। इसमें वे अपने माता पिता के साथ आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्तिपूर्वक अनेक चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक सूंघ कर उस दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधु मंगला गौरी से भी सास ससुर का प्रणाम किया। तब सास ससुर उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्रतापूर्वक पूछने लगे, हे महामुनि। तब पुत्र वधु ने कि मंगला गौरी के उत्तम व्रत, महात्म तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृतांत बताया। हे संत कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन किया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने संत कुमार को यह मंगला गौरी का व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया।
इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर स्कंद कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म के मंगला गौरी व्रत कथन नामक सातवां अध्याय पूर्ण हुआ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पे हमेशा अपलोड होते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।